हेलो स्टूडेंट, सब्सक्राइब कीजिए अखिल मैथ क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरे लेटेस्ट मैथ वीडियोस को पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीडियो चैनल। माय नेम इज अखिलेश एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर वीडियो। प्रीवियसली आई हैव अपलोडेड ए वीडियो व्हिच इज बेस्ड ऑन द टॉपिक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। प्रीवियसली आई हैव अपलोडेड ए वीडियो व्हिच इज बेस्ड ऑन द थ्योरम वन एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अनदर थ्योरम, थ्योरम नंबर टू। तो लेट्स स्टार्ट द थ्योरम। फर्स्ट वन, वी हैव रीड अबाउट द थ्योरम वन अबाउट द ना डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड द पैरेललोग्राम इन द टू इक्वल ट्रायंगल। And today we are going to read about the theorem 2. Yeah. What is the theorem 2? Now, parallelograms on the same base and between the same parallel lines are equal in area. That means here ABCF is a parallelogram and also ABED is also a parallelogram. These two parallelograms are lie on the same base, that is AB, and between the same parallel lines. What is that parallel lines? Now AB parallel to DC. So we have to first write the given part. Now first name of these two parallelograms. In parallelogram ABCF, ABCF, and another parallelogram ABED. These two parallelograms are having same base. AB is the same base of these two parallelograms and lie on the same parallel lines. That is AB parallel to DC. This is the given part. What is to be proof? Then we write the what is to be proof. To prove, we have to prove that the area of these two parallelograms having same, the area of parallelogram ABCF is equal to area of parallelogram ABED. This is the given part and this is the two proof. What's to be proved? Area of parallelogram ABCF is equal to area of parallelogram ABED. मतलब इसका मतलब होता है ना एरिया ऑफ दिस टू पैरेललोग्राम, मतलब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम है ए बी सी एफ और एक जो पैरेललोग्राम है ए बी ई डी, ये दोनों सेम बेस में लाइक करते हैं। मैंने ए बी उनका सेम बेस है और ये दोनों जो पैरेललोग्राम है उनका सेम पैरेलल लाइन ये है ना ए बी और डी सी, मैंने ए बी पैरेलल टू डी सी, मैंने ए बी पैरेलल टू डी सी के अंदर ये लोग दोनों पैरेललोग्राम लाइक करते हैं। तो हमको प्रूफ करना है कि अगर ये दोनों पैरेललोग्राम उनका अगर बेस सेम हो, अगर दो पैरेललोग्राम का बेस सेम हो और वो दोनों पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइन के अंदर आते हो तो उन दोनों का एरिया इक्वल होगा। तो टू प्रूफ क्या हमको क्या प्रूफ करना है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी। तो यह हुआ हमारा गिवन पार्ट और यह हमारा हुआ टू प्रूफ पार्ट, मतलब हमको ये प्रूफ करना है। तो अब हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो इसके बाद इसको हम सब मिटा देते हैं पहले। प्रूफ पार्ट, तो हम पहले क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ए एफ डी और एक जो ट्रायंगल है बी सी ई, इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे। तो हम पकड़ेंगे इन ट्रायंगल ए एफ डी एंड ट्रायंगल बी सी ई, बी सी ई मतलब हम क्या करेंगे, ये जो ट्रायंगल है ए एफ डी और एक जो ट्रायंगल यहाँ पर है बी सी ई, इन दोनों को हम इक्वल प्रूफ कर देंगे, मतलब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो हमको पहले दो ट्रायंगल पकड़ना होगा ए एफ डी एंड बी सी ई। तो इन दोनों में यहाँ पर देखिए, यहाँ ए बी सी एफ क्या है, पैरेललोग्राम है। इसका मतलब ये जो साइड है ए एफ का, ए एफ साइड इक्वल होगा बी सी के साथ,
और ये भी एक पैरेललोग्राम है, ए बी ई और डी, इसका मतलब ये साइड इक्वल होगा, मतलब ए डी साइड इक्वल होगा किसके साथ, बी ई के साथ। तो यहाँ हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ डी, ए एफ डी एंड इन ट्रायंगल बी सी, जहाँ पर ए डी इक्वल है ना, ए डी इज इक्वल टू बी ई और ए एफ इक्वल है किसके साथ ना, ए एफ इक्वल है बी सी के साथ। और यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर इस ट्राइंगल का ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इक्वल होगा इसके साथ, ये वाला एंगल के साथ, मतलब एंगल डी ए एफ इक्वल होगा एंगल ई बी सी के साथ। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये साइड इक्वल है इसके साथ और ये साइड है इक्वल इसके साथ। तो इसके इन इन दोनों के बीच में जो, इन दो इक्वल साइड के बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होगा, वो दोनों क्या होंगे, वो दोनों इक्वल होंगे। सो ट्रायंगल ए एफ डी कॉन्ग्रुएंसी टू ट्रायंगल बी सी ई, कौन सा कंडीशन ना, बाय एस ए एस कंडीशन, मतलब दो साइड और एक एंगल, मतलब साइड एंगल साइड कंडीशन से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो गया। तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था थ्योरम वन में, अगर दो ट्रायंगल उनका दोनों का दोनों अगर इक्वल हो, दोनों अगर कॉन्ग्रुएंट हो, तो उनका एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो हियर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी, सॉरी यहाँ बी सी ई, इसको हम इक्वेशन वन देते हैं, इक्वेशन वन। तो हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई। उसको बाद यहाँ हम लिखेंगे, अब हम पकड़ेंगे इन पैरेललोग्राम, एरिया पकड़ते हैं इसका, एरिया ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, मतलब ए बी सॉरी ए बी सी एफ ने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ इक्वल टू एरिया, यहाँ देखिए ध्यान समझिए ना, ए बी सी एफ कौन सा एरिया, ए बी सी एफ जो पैरेललोग्राम है, ए बी सी एफ जो पैरेललोग्राम है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा, मतलब बी सी ई का एरिया, मतलब बी सी ई ट्रायंगल का एरिया प्लस कर देंगे हम किसके साथ ना, ए बी ई एफ, ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी ई एफ, मतलब वी हैव टू प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी ई विद द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ, अगर हम दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ हो जाएगा, मतलब ए बी सी एफ, ए बी सी एफ को क्या, अगर इसको मिलाएंगे, मतलब ये ट्राइंगल को और ये क्वाड्रिलेटर को मिला देंगे, तो एक टोटल ए बी सी एफ का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ। तब यहाँ हम लिखेंगे एरिया, अब हमने इक्वेशन वन में क्या प्रूफ किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी वही होगा, इसका मतलब ये जो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी लिखा हुआ है, इसके जगह पर मैं क्या लिख दूंगा, इन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी प्लस ये जो है वैसे रहेगा ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई एफ। तो ध्यान से फिगर को यहाँ पर देखिए ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी एफ, किसका एरिया निकल जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए ए एफ डी, मतलब पहले क्या करना है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी, मतलब ए एफ डी, यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एफ डी, ए एफ डी प्लस कर देंगे हम किसके साथ ना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी एफ, मतलब ए बी ई एफ के साथ प्लस करना है, तो किसका एरिया निकल जाएगा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकल जाएगा ए बी ई डी। तो यहाँ हम लिख देंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई डी।
तो यहाँ पर प्रूफ हो गया, सो इट इज़ प्रूफ दैट, इट इज़ प्रूफ, यहाँ पर प्रूफ हो चुका है कि क्या द एरिया ऑफ पार्लोग्राम, एरिया ऑफ पार्लोग्राम ए बी सी एफ इक्वल है, इस किसके साथ एरिया, एरिया ऑफ पार्लोग्राम ए बी ई डी के साथ, तो यहाँ पर प्रूफ हो गया।